हज़रत शुबे का ज़ाला बड़ा रेलिवेंट है आजकल के जो हालात हैं दुनिया के उसके हिसाब से। उन्होंने ये पूछा है कि जैसा कि अहादीस में है कि कोड़ और जज़ाम वाले से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, यानी कोई बीमारी किसी से लगती नहीं है। तो आजकल सोशल मीडिया पर इस हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी लग जाती है, कुछ लोग कह रहे हैं बीमारी नहीं लगती, यानी ना मिलो किसी से, वो सोशल डिस्टेंसिंग वो है वो रखो, 6 फुट दूर रहो एक दूसरे से, और तो कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गया। आपसे इसकी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, फरमाइए क्या कहेंगे आप? बाकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अच्छा, और सोशल मीडिया पे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बिल्कुल तो हर अंदाज से बात हो रही है। पहली बात तो यह है कि अगर बीमारी एक की दूसरे को लगती है तो फिर सबको लगनी चाहिए। अब 10 में से 1 को लगती है या 2 को लगती है, बाकी 8-10 को लगती नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक की बीमारी दूसरे को लगने का जो तसव्वुर है, ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लगे तो सबको लगे, तो एक आदमी को क्यों लगी, ठीक है ना। तो उस हवाले से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ज़ाबता दुरुस्त है कि ला अदवा वला तियारा, कि ये बीमारी मुतादी नहीं होती, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है। और बाकी दूसरी जगह आपने फरमा दिया कि फिरना मिन मजलूमी कमा तफिरु मिन असद, कि तुम जब वो मजलूम और कोड़ी से यूं भागो जैसे शेर से भागते हो। अब इसके अंदर ये नज़र आता कि शायद लग जाती है, तभी तो कहा कि दूर रखो। असल में बात यह है कि इन दोनों को अगर जमा करें, तत्बीक दें, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के ईमान और यकीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है, कि मोमिन का ईमान और यकीन महफूज रहना चाहिए, उसके अंदर कोई जो खलल और उसके अंदर कोई कमज़ोरी और ज़ौफ़ नहीं आना चाहिए, ईमान और यकीन को मजबूत रखा है। तभी देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर तो कोड़ी के बारे में ये फरमाया, और दूसरी रिवायात में आता है कि आपने कोड़ी के साथ बैठ के खाना खाया। सही बात। अब अगर बीमारी लगती होती तो फिर आप साथ बैठ के खाना क्यों खा रहे हैं? अब आप साथ बैठ के खाना खा के बता रहे हैं कि ईमान और यकीन आपका अगर पुख्ता रहे, मुस्ताकम है और अल्लाह पे निगाह है, तो फिर परवाह ही नहीं है इस बीमारी को, दूसरी बीमारी लगने को कोई अंदेशा ही नहीं है। क्योंकि असल में अगर गौर करें तो दोनों हदीसों में कोई आपस में यानी तारुज भी नहीं है, कोई तजाद नहीं है। क्यों? कि एक हदीस के अंदर तो जो नफ़ी की गई है, कहा कि ला अदवा वला तियारा, तो ये तासीरी हकीकी की नफ़ी की गई है कि हकीकी तौर पे बीमारी में कोई तासीर नहीं है कि खुद दूसरे को लग जाए, जब तक कि अमर इलाही और मशीयत इलाही ना हो। ये बात है। हाँ, तो उससे तासीरी हकीकी की नफ़ी की है। और जहाँ पर ये कह दिया कि भाई बचो मजलूम से, उसमें तासीरे सबबी को जिक्र किया है, सबब के दर्जे को जिक्र किया, ये सबब भी इख्तियार ना करो, ये ना हो कि वो एंड तक पहुँच के बीमारी लगी जाए। तो गोया के सबब का इनकार किया है और तासीरी हकीकी की नफी की है। तो गोया कि जिसका इस बात किया उसका इनकार नहीं किया, जिसका इनकार किया उसका इस बात नहीं किया, तो हकीकत में तो दोनों हदीसों में कोई तारुज ही नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। और नबी के कलाम में तारुज हो कैसे सकता है? हाँ, नबी के कहने की डायरेक्शन और पहलू ऐसे हो सकते हैं कि एक बात एक रुख से कही, एक दूसरी बात दूसरे रुख से कह दी। अब ज़रा कमज़ोर ईमान के लोग भी तो हैं। अब कमज़ोर ईमान का आदमी अगर जो है वो जुजामी और कोड़ी के साथ बैठ के खा बैठेगा और उसको लग जाएगी, तो वो ईमान की कमजोरी की वजह से उसकी तरफ मंसूब करेगा, यार देखो उसके साथ खाना खाया और मुझे लग गई बीमारी। जी, तो नबी को यह गवारा नहीं था कि यार ईमान और यकीन खुदा पे रखो, अल्लाह के अमर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तभी हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यह फरमाया कि ला अदवा वला तियारा, कि बीमारियां मुतादी नहीं होती, एक को दूसरे को नहीं लगती, तो एक सहाबी खड़े हो गए कहने के, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो देखा कि हमारा ऊंट जो है वो खारशी ऊंटों के साथ जब मिल जाता है तो उसके साथ मिलने के से उसको खारिश लग जाती है। जी, हालांकि उसको खारिश नहीं थी लेकिन उसके साथ मिलने से लग गई। तो आप फरमा रहे कि मुतादी नहीं होती, यहाँ तो हो गई मुतादी, बीमारी लग गई हमारे ऊँट को। तो उस पर आपने फरमाया कि फमन आदल अव्वला, पहले ऊँट को खारिश कहाँ से लगी? उन्होंने कहा जी वो अल्लाह से लगी। तो बस दूसरे को भी अल्लाह ही से लगी। तासीर हकीकी जो है वो अल्लाह की मशीयत के तहत ही है। बिल्कुल सही है। हाँ, बाकी सबब, सबब के दर्जे में जो है आप जो वो किसी को भी इख्तियार किया जा सकता है कि ये सबब बन गया, तो लेकिन सबब के दर्जे में भी आप जो है वो किसी का नाम लेंगे तो गोया कि अल्लाह के नबी कोई गवारा नहीं कि ईमान और यकीन और तवक्कल के खिलाफ है।
اس لیے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ بھئی آپ جو احتیاط اختیار کریں، کیونکہ کمزور ایمان والے کو بتا دیا کہ یا کل کو یہ اس کی تو منسوب نہ کرنے کرے کہ اس کی وجہ سے لگ گیا، اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دے دیا، اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اگر کامل ایمان والا کوئی احتیاطی تدبیر اختیار بھی کر لے گا تو فرمایا کہ وہ اس کے کامل ایمان کے خلاف بھی نہیں ہے، اس کے کامل ایمان کے منافی بھی نہیں ہے اگر کوئی کر بھی لے گا اختیار، کیونکہ نبی کا ارشاد ہے. ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا کہ کہیں طاعون اگر پھیل گیا تو وہاں سے بھاگو نہیں، یا پھیلا ہوا تو وہاں جاؤ نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں بھاگنے کو جو منع کیا وہ یہ سوچ کے نہ بھاگو کہ یار مجھے نہ لگ جائے، فرار کی نیت سے نہ بھاگو کیا مجھے لگ نہ جائے، بلکہ اس میں تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ اگر کوئی یہ سوچ کے بھاگے گا تو یہ فرار من الزحف کا گناہ ہوگا، یعنی دشمن کے لشکر کے سامنے لڑائی کرتا کرتا پیٹ دے کے بھاگا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ ویسا گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ آپ یہ سوچ کے بھاگ رہے کہ بیماری لگ جائے گی، بیماری کی اپنے میں کیا حقیقت ہے، یہ تو اللہ ہے، اللہ کی مرضی تو آپ اپنے ایمان مضبوط رکھے اور صبر کر کے وہاں ٹھہرے رہیں، اور اگر اللہ کی مشیت سے لگ گئی اور مارا گیا تو فرمایا شہید ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت مقام عطا کر دیں گے. تو اس لیے آپ نے منع کیا کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، لیکن ویسے اگر انسان کو کوئی کام ہے کسی ضرورت کے تحت واپس آنا چاہتا ہے تو اس جگہ سے نکل سکتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن فرارن کی نیت سے نہ بھاگے کہ یہ سوچ کے یا مجھے لگ رہا ہے ڈر کے بھاگ رہا ہے، اور مومن کی شان نہیں ہے. بالکل. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان و یقین اصل ہے، اس کو مستحکم رکھ کے اللہ پہ نگاہ رکھیں. ہاں احتیاطی تدابیر سبب کے درجے میں اگر اختیار کر لیا تو یہ کمال ایمان کے خلاف بھی نہیں ہے، اور کمزور ایمان والے کے لیے بہت زیادہ سہارا بھی ہے. بہت خوب. بہت اس لیے فرمایا. بہت بہترین کلیریفیکیشن آ گئی. اور ساری بات یہ ہے کہ اگر ایمان آپ کا مستحکم ہو یعنی اللہ کے بغیر کوئی چیز تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی، تو اللہ چاہے گا تو بیماری لگے گی، اللہ چاہے گا تو بیماری نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. تو جب یہ ایمان ہے ہمارا تو پھر بھاگنا اور ڈرنا کس سے، اللہ سے تو فرار ہو ہی نہیں سکتا. بہت خوب. بہت شکریہ. یہ میرا مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے یہ بھیجا ان کی کلیریفیکیشن ہو گئی ہوگی.